छतरी गाइस गुड यू मेरा बीच में से गया चल टेक दिस मैं तुझे ए मम्मा ढूंढ लिया है काम हो जाएगा ज्योति जिस काम को हाथ में लेती है ना उसे पूरा करती है और आज भी पूरा करेगी कमॉन यस टू इजी मैन रोहन ये हुई ना बात ले लीजिए वाव अरे बच्चों चलो आ जाओ आप लोग भी गर्मा गर्म कोको ले लो नहीं मम्मी आंचल इतनी गर्मी है यार फिर आग और उसके ऊपर से कोको ये बच्चे क्या हमारे तरह बेवकूफ हैं यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आंचल कि आखिर इतनी गर्मी में ऐसा प्रोग्राम बनाने का मतलब क्या है हाँ जेठ जी मैं बताती हूँ तुम लोग तो सब कुछ भूल गए हो ना प्यार रोमांस और सारी दुनिया से दूर थोड़ी देर आपस में कुछ पल बिताना ये सभी जरूरी होता है जिंदगी में कौशल ओ, अब समझा मैं इस सैर सपाटे का मतलब मेरी सुनंदा रानी जी मैं कुछ नहीं भूला हूँ आओ मेरे गले लग जाओ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना रोमांटिक हूँ और कैसे रोमांस करता हूँ कौशल कुछ तो शर्म करो बच्चे यही हैं लो कर लो बात भाई अब जब हम रोमांटिक हो रहे हैं तो इसमें शर्म किस बात की खुश हो लो आखिरी वक्त में क्योंकि ये खुशी अब मातम में बदलने वाली है और ये मातम इस ज्योति की वजह से होगा मम्मी चलो ना जल्दी से मुझे टॉयलेट जाना है ठीक है अरे रोनी तू भी कैसी बात कर रहा है छोटा बच्चा है क्या अरे इतनी सी बात के लिए मम्मी को क्यों परेशान कर रहा है चल मैं चलता हूँ तेरे साथ चल मैं भी चलूंगी हाँ तो चलो चलो अरे बच्चों सुनो देखो हम में से कोई आपके साथ जाएगा आप अकेले नहीं जाएंगे ठीक है हाँ बेटे बहुत अंधेरा है वहाँ पर अरे मम्मी अब हम लोग बड़े हो चुके हैं और वैसे भी हम लोग तीन हैं मम्मी जाने दो ना अच्छे से जाएंगे प्लीज अरे जाने दो बच्चों को बड़े हो गए हैं बच्चे अब जाओ बच्चों लेकिन एक चीज का ध्यान रखना जल्दी आ जाना प्रॉमिस वरुण जल्दी आना हाँ हाँ हो गया तुम लोगों का रुक जरा कितना टाइम लगाओगे अरे थोड़ा चुप बैठे की बहुत बकबक कर रही है कितना टाइम लगाते हो मुझे डर लग रहा है चलो मेरा हो गया वरुण कहाँ है तू जल्दी से आ जा चल मेरा भी हो गया चल हाँ भाई आ रहे रुक फिर से वो खेलेंगे हाँ फ्रिस्बी मजा आ रही थी और इस बार मैं तेरे को हराऊंगा अरे पिछली बार मैंने तेरे को गिरा दिया था याद नहीं है क्या हाँ याद है क्या हुआ वरुण क्या देखा तुमने शायद कोई आदमी वरुण छोड़ो ना ये सब चल ना वापस चलते अरे छोड़ कैसे सकता हूँ मुझे पहले देखना है वरुण रोने वरुण क्या कर रहे थे बेटा वहाँ मुझे लगता है मैंने उधर कोई आदमी देखा क्या अभी भी रुको ठीक है आई एम जस्ट कमिंग नहीं बेटा कुछ नहीं तुम्हें वैसे लगा हुआ कुछ चलो चलो कम. फिर से खेलेंगे कम 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 एवरीथिंग इज फाइन कम
तुमने फोन किया था? हाँ जी। पूर्वी, वंश, तुम लोग जाओ। तुम पूरा यकीन है क्या वो वही आदमी था जो जेल से भागा था हीरा? जी सर, मैं अपने कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर निकला था और मेरा कुत्ता उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। क्या, आपका कुत्ता उसे देख के भौंकने लगा? जी हाँ, वो कम्बल ओढ़े अपना मुंह ढके हुए यही खड़ा हुआ था और मैं अपना मोबाइल घर पे भूल आया था, लेकिन जैसे घर जाके मैंने आप लोगों को कॉल किया और बाहर आया तो वो जा चुका था। आप कितनी देर में वापस आए होंगे? ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट। सर, हाँ। सर, हमने इस रोड पे आसपास के दुकानदारों से बात की। हाँ। उन्होंने सिर्फ एक ट्रक को इस तरफ जाते हुए देखा और कुछ नहीं। ट्रक को? हाँ सर। तो ट्रक अभी भी यहीं कहीं होगा सर आसपास। ट्रक का टायर का निशान तो दिख रहा है सर। आ गया, पर वो भी अभी अभी के लग रहे हैं। ये देखो, इंजन ऑयल ताजा ताजा है सर। कहीं ये वही ट्रक तो नहीं जो उन दुकानदारों ने देखा था? सर, यहाँ तो मेरे पड़ोसी का ट्रक खड़ा होता है। पड़ोसी का ट्रक? दे, एक काम करो, इसके पड़ोसी से मिलो और इसके ट्रक ड्राइवर से भी। सर, हमारी तलाश सही दिशा में जा रही है। उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जब वो ट्रक को साफ कर रहा था तो ट्रक के ऊपरी हिस्से में खून की कुछ बूंदे मिली। तो फिर जरूर दया वो वहीं उस हिस्से में छुप कर बैठा था और शायद चढ़ते वक्त उसे वो चोट आ गई होगी। हाँ सर, उस ड्राइवर ने बताया कि जब वो ट्रक लेकर इस बिल्डिंग के सामने से जा रहा था तब ट्रक में पीछे की तरफ से कुछ आवाजें आई। जब उसने ट्रक रोक दिया तो आवाज आनी बंद हो गई। तो फिर दया इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो इस बिल्डिंग में घुसा है। इस बिल्डिंग में घुसा है और क्यों? कौन है आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? आप कौन है भाई साहब? मेरे कपड़े देख के पता नहीं चल रहा कि मैं इस बिल्डिंग का वॉचमैन हूँ? तो तुम्हें वहाँ गेट पे होना चाहिए था। कहाँ गए थे तुम? अपनी ड्यूटी तो तुम ठीक से करते नहीं हो। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सलाम साहब, मैं खाना खाने गया था सर। तुम खाना खाने गए थे तब उसी वक्त एक खतरनाक मुजरिम तुम्हारे इस बिल्डिंग में घुसा है। लेकिन साहब, अगर कोई बिल्डिंग के अंदर घुसा होगा तो सीसीटीवी में जरूर दिखाई देगा। चलो दिखा। आइए सर, आइए सर। एक घंटे पहले का फुटेज प्ले करो। पूरी रुको, इस आदमी को देखो, लगता यही हीरा है, यही है वो। 15 मिनट पहले घुसा है सर बिल्डिंग में, इसका मतलब है अभी भी आसपास कहीं छिपके बैठा होगा। हाँ, बिल्डिंग चेक करते। वॉचमैन, बिल्डिंग के सारे गेट्स लॉक कर दो। जी। अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा और बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। जल्दी। सर, 4th फ्लोर पे एक दरवाजे पे खून है, लगता है किसी ने पीपहोल पर अपना हाथ रखा था। फ्लैट का नंबर है 403। कहाँ है? इस तरफ। किसका फ्लैट है वो? जी, सिमी मैडम का। सिमी मैडम अभी होगी ना घर पे? जी, होगी घर पे। ठीक है, जाओ तुम। खतरनाक मुजरिम इसके घर में घुसा और अब तक की कुछ आवाज तक नहीं कर रही है। सर, शायद वो हीरा को जानती हो सकता है। पूर्वी, देखो जरा। सिमी, सिमी, दरवाजा खोल ले रही है दया, दरवाजा तोड़ दो। सर, दया,
लगता है यहाँ पर किसी की हाथापाई हुई है। लेकिन सर यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है। घर का कोना कोना छान मारो जल्दी। सिमी हो ना? आजा बाहर बाहर। क्या हुआ? सा यहाँ सोफे में बैठ बैठो। आजा आजा बैठो। हाँ सिमी बताओ हीरा कहाँ गया? कहाँ है हीरा? सर हाँ हीरा बाथरूम की खिड़की से भाग गया। वंच और तुम दोनों जाके देखो नीचे शायद पाइप से गया होगा। जल्दी बताओ से नहीं हीरा जेल से भागने के बाद तुमसे क्यों मिलने आया था इधर? सब कुछ कुछ पूछने आया था। जब मैं अभी अभी हमारे संवाददाता द्वारा एक चौंकाने वाली खबर मिली है। पता चला है कि एक सजायाफ्ता कैदी सेंट्रल जेल से फरार हो गया है। फरार कैदी का नाम हीरा है जिसे अरविंद कुमार के हत्या के जुर्म में 14 साल कैद की सजा हुई थी। लेकिन सिर्फ एक साल जेल में बिताने के बाद यह कैदी आज जेल से भाग निकला। पुलिस बड़े पैमाने पर हीरा की तलाश कर रही है। हीरा एक खतरनाक अपराधी है और हमारी जनता से अपील है कि जिसे भी ये दिखे तुरंत पुलिस को सूचना दें। क्यों नहीं लग रहा है? इस वक्त कौन आ सकता है? कोई दिख भी नहीं रहा है। कौन हो सकता है? कौन है तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? चिल्लाई तो जान से मार दूंगा तुझे। देख मैं तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मुझे इतना पता कि वो कहाँ है। मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती। मैं फिर से कह रहा हूँ मैं उसे घर जाके आया। वो अपने घर में नहीं है। बताती हो या? मुझे नहीं पता। बताती हो या? बता दे। पता पता कहाँ है वो? सर मैं बहुत डर गई थी सर, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया था सर, तभी आप लोग आ गए। किसके बारे में पूछ रहा था वो? सर वो जहाँ वो पहले काम करता था ड्राइवर का, उनके परिवार वाले के बारे में पूछ रहा था कि सब लोग कहाँ गए। अरविंद कुमार जी के परिवार के बारे में? हाँ सर उन्हीं के बारे में। और अरविंद का खून हीरा ने किया है। रंगे हाथों पकड़ा गया था वो हथियार के साथ। ये क्या किया तूने? मेरे पापा जी को मार दिया। क्यों? मुझे माफ कर दो साहब जी, मुझे माफ कर दो साहब जी, मुझे माफ कर दो। अरविंद जी के परिवार से वो अब क्या चाहता है ये बताओ हमें, समझी? सब पता नहीं सर, मैंने उन्हें कई बार सावधान करने के लिए फोन किया पर उनका तो कॉल ही नहीं लग रहा है। कहाँ है वो लोग? सर वो छुट्टियां मनाने कर्जत गए हैं। कर्जत गए छुट्टियां मनाने? दया सर लगता है अरविंद जी के परिवार वालों की जान को खतरा है।
इससे पहले कि वो वहां पहुंचे हमें पहुंचना पड़ेगा। जैसा सिमी ने बताया था, क्या ये वही जगह जहां पे कैंपिंग की इन लोगों ने? सर लगता है सब लोग सो रहे हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। उम्मीद करते हैं हीरा हमसे पहले ना पहुंच गया। मिस्टर कौशल, मिस्टर देव, सुनिए। क्या बात है? प्लीज आप लोग नींद से उठ जाइए, आइए प्लीज। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कुछ बात हो गई क्या? बात थोड़ी सीरियस है, वो हीरा जेल से भाग गया है और हमें लगता है कि वो यहाँ आया है आप लोगों को ढूंढते हुए। हमारे पास? लेकिन क्यों? ऐसा लगता है वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते, इसलिए हम लोग आपको सावधान करने के लिए आए हैं। लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है सर। रोनी कहाँ है और वरुण? अरे सो रहे होंगे वो लोग यार अभी। रोनी, वरुण, रोनी बेटा, वरुण कहाँ है? रोनी बेटा कहाँ है वरुण? रोनी सुनो बेटा। देखो बेटा, हम लोग सीआईडी अंकल हैं, खबरों मत बेटा, आ रहा काम। अच्छा कहाँ है बेटा वरुण? मुझे नहीं पता। पर बेटा कल रात को तो वो तुम्हारे साथ ही था ना? कल रात वो कहीं बाहर गया था लेकिन वापस नहीं आया। क्या? कहाँ कहाँ चला गया, क्या हुआ था? कल रात कैंप फायर के बाद हम दोनों टेंट में थे। यार रोनी, और कितना देर खेलेगा, चलना बहुत हो गया टैप। तो क्या करूं? कुछ खेलते हैं। तो बता क्या खेलेगा मेरे टैबलेट पे? अरे तेरे टैबलेट की कौन बात कर रहा है, टैबलेट में नहीं कुछ एडवेंचरस। ठीक है बाबा, बता क्या खेलेगा। सोचने दे। ठीक है। ये क्या था? शायद कोई जानवर था। आइडिया। क्या? चल चलते। कहाँ? अरे जानवर को देखने। इतनी रात को, वो भी जंगल में। तू ठीक तो है ना? वो क्या हुआ? नहीं वरुण बाहर मत जाना, बहुत अंधेरा हो चुका है। तू नहीं आ रहा है? ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे 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 वरुण रुक, अरे सुन तो मेरी बात वरुण। वरुण रुक यार, मैं भी आता हूँ। चल सुनी वरुण, चल वापस चलते, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। अरे डर किस बात का, चल ना देखते किसकी आवाज थी। चल वरुण, चल चल वापस चलते। अरे तू रुक, तो मैं नहीं चल रहा। तू नहीं आ रहा ना? मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है। अरे सुन, लेकिन वो नहीं आया। मैंने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। वरुण पूरी रात जंगल में था, ये भगवान से कुछ हुआ ना हो। सर कहीं हीरा ही तो नहीं मेरे बेटे वरुण को उठाकर ले गया? अब मैं क्या करूं, कहां ढूंढूं अपने बेटे वरुण को? हमारे वरुण को कुछ नहीं होगा। सोनी आपको याद है वरुण किस तरफ गया था? हाँ।
मुझे याद है उस तरफ। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग वरुण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर प्लीज, हम भी आपके साथ चलेंगे। अरे लेकिन प्लीज सर। ठीक है, लेकिन बच्चों को जंगल में नहीं ले जा सकते, वहाँ खतरा है। निखिल बच्चों को फॉरेस्ट ऑफिस छोड़ के आ, चलो हम लोग देखते हैं। आओ बेटा, आओ चलो संभाल के आ जाओ बेटा। वरुण बेटा। सर रोनी और रोहिणी को फॉरेस्ट ऑफिस में छोड़ दिया। वरुण बेटा, वरुण बेटा। खून लगता है कोई ऊपर से गिरा और उसको चोट लगी है। यहाँ तो घसीटने के निशान भी है। सर कहीं वरुण को कुछ? देखते हैं। सर ये तो वरुण का जूता है, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ सर मेरे बेटे वरुण को? सर हाँ? सर ये देखिए, ये तो कैदियों के ड्रेस का टुकड़ा लगता है। मतलब हीरा ले गया वरुण को। आप लोग यहीं रुके। अरे संभालो। सर ब्लड सर उसी लड़की का होगा सर, हीरा का उससे झगड़ा हुआ होगा सर। हो सकता है। पर ये वरुण और हीरा कहाँ गायब हो गए? कौन हो तुम? किसने किया ये? हीरा और वरुण कहाँ है? वो आज चला गया। कहाँ चला गया? ये वरुण के पैर का जूता। सर ये औरत तो मर गई। माय गॉड, इसकी सारी डिटेल्स ब्यूरो में भेजते हैं, पता तो चले ये औरत है कौन। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये औरत और हीरा दोस्त थे? दोनों ने मिलकर वरुण को अगवा किया, पर अब दोनों में झगड़ा हो गया तो हीरा ने इसका खून कर दिया। लेकिन सर हीरा ने वरुण को अगवा किया क्यों और वो चाहता क्या है? पहले अरविंद जी को मार दिया, दादाजी को, और अब शायद पोते को मारना चाहता है सर। लेकिन अभी तक वरुण को नुकसान नहीं पहुंचा है, ये कुछ और ही बात है। ये हीरा इस बच्चे वरुण को लेकर कहां गया होगा और फिर क्यों अगवा किया उसने इसे? मुझे तो लगता है ये हीरा पूरे परिवार से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो वरुण को अपने साथ ले गया होगा। हीरा ने अरविंद कुमार को मारने का जुर्म कबूल किया, अब और किसी को मार के उसे क्या फायदा होने वाला है? नहीं 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 नहीं। अच्छा इस हीरा की बीवी से बात हुई? हाँ सर, उसे ब्यूरो में बुलवाया है। सर, अभिजीत सर ने अभी-अभी जंगल में मरी उस लड़की की फोटो और फिंगरप्रिंट्स भिजवाए हैं सर। सर रिकॉर्ड से मैच करके देखते हैं। ये मरी कैसे? सर पे चोट लगने की वजह से। ओह। सर ये देखिए। नाम ज्योति, फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे। सर ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, साथ साथ खून का इल्जाम है इसके सर पे। लेकिन सर ये खूनी औरत जंगल में क्या करने गई होगी? यही तो पता लगाना है फ्रेडी, यही पता लगाएंगे हम। ज्योति की पूरी कुंडली निकालो। क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर? ओके सर। यस सर। जी सर हम लोग देखते हैं। ये जो औरत मरी थी कोई जानता है उसको? जी नहीं सर। क्या बात है सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं?
क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी। ज्योति नाम है उसका। सर, तो क्या हीरा उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ इस जंगल में आया था? नहीं श्रेया, अगर ऐसा होता तो वो आपस में लड़ते नहीं और ज्योति मरती नहीं। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट किलर यहाँ क्यों आई थी? ये तो आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं। देखिए सर, हम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, अगर आप लोग सच्चाई बताएंगे तो हमें किसी नतीजे में पहुंचने पे आसानी होगी, मदद मिलेगी। सर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि सौरभ को किसी ने हमें मारने के लिए यहाँ भेजा था? अरे सर, आपको कब से क्या समझा रहे कि वो लड़की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, किसी ने तो भेजा होगा उसे। देखिए, वो हीरा भाग के यहाँ पे आया और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर वो भी यहीं पे आई, तो कोई तो वजह है। या तो ज्योति आप में से किसी से मिलने आई थी या फिर किसी को मारने। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तो मेरे बेटे वरुण की आवाज है। एक मिनट भाई साहब, आप इसे देखा? नहीं, नहीं देखा। अरे, अरे? हम लोग ज्योति के बारे में पूछताछ करने आए, लेकिन कोई हमें कॉपरेट नहीं कर रहा है, कोई दोस्ताना नहीं है। वैसे भी फ्रेडी दोस्ताना करने तो आए नहीं है, अच्छी बात है ना? भाई साहब, ये मर गई क्या? जी हाँ, मर गई। अब आप अपनी भलाई चाहते हैं तो बताइए, कहाँ रहती है औरत? सर, मैं कैसे बता सकता हूँ सर उसका पता? देखो, सिर्फ एक बार और पूछूंगा मैं, कहाँ रहती है औरत? अंकल, उसको पूछो। मैम, मुझे नहीं पता, मैं ज्योति की बहन हूँ, मैं डर गई और भाग गई। ज्योति को सुपारी किसने दी थी? हा? रानी ने। कहाँ मिलेगी ये रानी? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही है तुम। सर, मुझे नहीं पता, मेरे पास सिर्फ उसका फोन नंबर है। लाओ फोन नंबर, लाओ। किसको मारने की सुपारी दी थी उसे? मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। देखो, अगर कुछ भी छुपाओगी ना तो बहुत बुरा फंसोगे। मुझे जो पता था मैंने सब सच सच बता दिया, मुझे और कुछ नहीं पता। फोन करके पूछ लेते किसका नंबर है। नहीं फ्रेडी, इसको फोन मत करो, बल्कि ज्योति के नाम से इसे एसएमएस करो कि सुपारी का समझौता हो गया है, आज शाम को 4 बजे आके जुहू के कॉफी हाउस में मिलाओ। हीरा, 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 वरुण कहाँ है? है? बच्चा कहाँ है? वो लोग ले गए उसे। कौन? तुम्हारे साथी? नहीं, कुछ बदमाश थे। मैंने उनसे वरुण को बचाने की कोशिश की, उन्होंने मेरी हालत कर दी। वरुण को बचाओ, नहीं तो वो लोग वरुण को मार देंगे। किस तरफ गए वरुण? हीरा, 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 बेहोश है पंकज, इसको संभालो, हम लोग देखते हैं। सर, सर, अब तक हमें लग रहा था कि हीरा वरुण के लिए खतरा है, पर ये तो उसे बचाना चाह रहा था। सर, नए नए लोग आते जा रहे हैं इस केस में, एक बार वरुण मिल जाए तो देखते हैं। तो वरुण का कुछ पता चला? नहीं। और हीरा, होश में आया वो? हाँ, मुझे बताते रहना, ओके? हाँ ठीक है। कहाँ है मेरा पति? कैसा है मेरा हीरा? एक मिनट, इधर शांत हो जाइए, एक मिनट। आप लोग कभी? देखिए, आप शांत रहिए। आप जया हैं, हीरा की पत्नी? जी। देखिए, आपके पति को हीरा को चोट लगी है, बेहोश है इस वक्त वो। क्या?
क्या एक बात बताएंगी आप? हीरा जब जेल से भागा तो क्या उसने आपको कांटेक्ट किया था? आपकी उसके साथ कोई बात हुई थी? नहीं साहब, हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। पर मेरा पति निर्दोष है, वो मुजरिम नहीं है। देखिए, हीरा रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसके हाथ में हथियार भी था, और तो और उसने अपना जुर्म ही कबूल किया है अरविंद कुमार को मारने का। ये सच्चाई नहीं है। अरे उस बेकसूर ने तो किसी और का गुनाह अपने सर ले लिया। क्या? हाँ, मैं इतने दिनों से चुप थी, पर अब चुप नहीं बैठूंगी। ये सच्चाई मुझे आप लोगों को बतानी पड़ेगी। तो बताइए सच्चाई। साहब, दरअसल मेरे पति उन परिवार के लोगों की बहुत इज्जत करते थे, उनके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। छोटी सी नौकरी थी, ड्राइवर की, पर हम सब बहुत खुश थे। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी हमें, पर पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। मैं अचानक से बहुत बीमार पड़ गई और मेरे इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। हमारे दो बच्चों के आगे की पढ़ाई का भी खर्चा हमारे सर पर मंडराने लगा। हीरा ने बहुत कोशिश की, पर कहीं से कोई भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। फिर थक हार कर उसने बड़े मालिक को फोन किया। बड़े मालिक? कौन बड़े मालिक? अरविंद जी, वही हमारे बड़े मालिक थे। हीरा ने सारी समस्या बताई, कर्ज को लेकर के बात भी की, तो मालिक ने कहा कि अगले दिन ऑफिस आ जाना। तो और फिर हीरा अरविंद जी के ऑफिस में गया और उनका खून कर दिया। नहीं नहीं साहब, नहीं, मैं कह रही हूँ ना, ये सच्चाई नहीं है। खून वाली बात जब मुझे भी पता चली तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती थी हीरा कभी भी बड़े मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं जेल में गई थी उससे मिलने, अपने और अपने बच्चों की कसम भी दी, तब जाकर हीरा ने सच्चाई बताई कि खूनी वो नहीं बल्कि कोई और है। किसी और ने ही बड़े मालिक का खून किया और बदले में मेरे इलाज का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा देने का वादा किया। और हीरा ने उसका इल्जाम अपने सर पे ले लिया। जी साहब, यही सच्चाई है। एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर उसने इल्जाम कबूल कर लिया था तो फिर वो जेल से भागा ही क्यों? साहब, क्योंकि खूनी नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे, वो हीरा को अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। जेल में भी उसने दो बार जानलेवा हमला किया हीरा पर। क्या? हीरा पर जेल में दो बार जानलेवा हमला हुआ? जी। तो फिर ये खूनी है कौन? कहीं ये खूनी अरविंद कुमार के घर का ही कोई नहीं, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त? कौन हो सकता है ये खूनी? और फिर वो औरत कौन है जिसने ज्योति को सुपारी दी? रानी, ये रानी कौन है? जिस लड़की का इंतजार था वो आ गई सर। तुमने मुझे SMS किया था, ज्योति कहाँ है? ओह, तो तुम हो रानी? CID? तुमने दी थी सुपारी? नहीं, मैंने सिर्फ ज्योति से बात करवाई थी। सुपारी देने वाला तो कोई और है। कौन है वो? छोड़ो छोड़ो प्लीज। वरुण बेटा हम आ रहे हैं। बच्चे को छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो।
बचाओ। वरुण छोड़ो। आप लोग प्लीज जरा ये प्लीज। नहीं 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 गोली नहीं, गोली नहीं, बच्चा है साथ में। वो लोग मेरे वरुण को लेकर जा रहे हैं। बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो, बचाओ, कोई तो बचाओ, छोड़ो छोड़ो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो संभाल के ध्यान से। हट। कौन है तुम लोग? बताता या भेज दो तेरे को तेरे दोनों साथियों के पास। बताता हूँ, हम सुपारी लेकर काम करते हैं और ज्योति के साथी हैं। यहाँ किसका खून करने आया था? इसका खून करने आए थे। कौशल का? कौन मरवाना चाहता था इनको? हमें नहीं पता, ये सिर्फ ज्योति जानती थी और बाद में हमें बताया गया कि पहले हीरा को मार दो। तो फिर वरुण को लेकर क्यों जा रहे थे? क्योंकि हीरा ने वरुण को सारी सच्चाई बता दी थी। कैसी सच्चाई? ये भी हमें नहीं पता। वरुण, वरुण कहाँ है? खूनियों, हीरा ने मुझे सब कुछ बता दिया, मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। अच्छा तू सब तो मेरा राज बताएगा? हाँ किसी का कुछ बताने लायक बचेगा तब ना। अब तू ही मरेगा। अभिजीत सर मुझे बचा लो प्लीज। डरो मत वरुण, मैंने पकड़ लिया तुम्हें। आजा बेटे, तुम बहादुर बच्चे हो, आजा। वरुण, आजा बेटा। अभी ऐसा वरुण, वरुण 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 मेरे बेटे, वरुण मेरे बेटे, मेरा बच्चा। कहाँ भाग रही है तू? एक औरत होकर बच्चे की जान लेना चाहती है? शर्म आनी चाहिए तुझे। ये सब तुम्हारा किया धरा है, मगर किया क्यों? मैं परिवार की सारी जायदाद अपने और अपने पति देव के नाम कराना चाहती थी, इसीलिए मैंने एक साल पहले कौशल जी को मारने का प्लान बनाया। मैं ऑफिस गई और ये तो पापा जी, लेकिन यहाँ तो कौशल भाई साहब को होना चाहिए था। मैम साहब, ये क्या किया आपने? आपने बड़े मालिक को मार दिया। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रुको हीरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। क्या? मैं तुम्हारी मदद करूंगी और
तुम मेरी। तो तुमने पैसे देके अपने सिर का इल्जाम भी हीरा को दे दिया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने इनका साथ देने की गलती कर दी। ये अलमारी में छिप गई। कौशल साहब ने मुझे बड़े माली की लाश के पास पाया और मुझे जेल जाना पड़ा। हीरा तुम्हारे लिए जेल गया था, फिर भी तुमने वहां पे इसे मरवाने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि मैं अपने खिलाफ सारे सबूतों को खत्म कर देना चाहती थी। सर, मैं जेल से भी इसीलिए भागा क्योंकि मैं इनको इनके पापों की सजा देना चाहता था। और उन कॉन्ट्रैक्ट किलर को तुमने ही सुपारी दी थी कौशल की जान लेने के लिए? हाँ, लेकिन जब सिमी ने फोन करके तुम्हें ये बताया कि हीरा जेल से भागकर तुम्हें ढूंढ रहा है, तब तुमने सोच लिया कि तुम पहले हीरा को मरवा दो। लेकिन इस वरुण के बच्चे ने मेरी सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। हीरा ने वरुण को सारी सच्चाई बता दी थी, इसीलिए मैं इसे भी मार देना चाहती थी। लालच ने तुम्हें एक खतरनाक मुजरिम बना दिया, पर मिला क्या? अब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा जब तक कानून तुम्हें फांसी की सजा नहीं दे देता। ले जाओ इन्हें। चलो। मुझे भी जेल भेज दीजिए, मैंने भी गलती की है। अरे क्यों, क्या हुआ बेटा? सर, वो कल रात मैंने हीरा को खाई में पाया था। सर, मैं उसे इस झोपड़ी में ले आया और फिर मैं मम्मी पापा को बुलाने ही वाला था। सर, मैं उस औरत को मारना नहीं चाहता था, पर मुझे हीरा को भी बचाना था। तुमने जो कुछ किया अपने बचाव के लिए और एक आदमी की जान बचाने के लिए किया, और तुम्हारी वजह से तो हमें ये केस सॉल्व करने में बहुत मदद मिली है। आप एक बहादुर बच्चे हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.